Welcome to the world, no heroes, villains. Hello guys, welcome to this video. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, उससे पहले थैंक यू एवरीबॉडी फॉर सब्सक्राइबिंग चैनल एंड शोइंग सो मच ऑफ लव. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो आज की वीडियो है iPhone 14 Pro Max और हम ये फ्रेम कह सकते हैं पूरे 14 लाइनअप के बारे में जो कि एप्पल ने तैयार कर रखा है. जगह पे चलते हैं apple.com पे और हमारे सामने है iPhone 14 Pro. इसका नया वाला पर्पल कलर भाई बड़ा प्यारा लग रहा है, काफ़ी जगह पर मैंने देखा है. 48 megapixel कमाल कैमरा, नेक्स्ट लेवल कैमरा सेटअप आ चुका है इसमें. प्रो बियॉन्ड करते हैं इन्होंने भाई, तगड़ा का निकाल रखा है. इसे कैमरा वाले डिटेल्स में देखेंगे. सबसे पहले तो लुक देखो, हमारे पास चार कलर अवेलेबल है, डीप पर्पल, गोल्ड, सिल्वर और स्पेस ब्लैक. मेरे को तो वैसे स्पेस ब्लैक सबसे अच्छा लग रहा है इसमें से, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट ब्लैक है. बट और सारे कलर भी बड़े प्यारे हैं और मेन तो इसकी नोच में है, जो कि अब नोच रही नहीं, आयरलैंड बना दिया है. बट चलो आगे देखते हैं और क्या क्या है. मीट द न्यू फेस, डायनेमिक आइसलैंड, ये तगड़ा ही हर एक एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. जैसा कि हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जब एयरफोन्स कनेक्ट होंगे तो अलग, गाने सुनेंगे तो अलग, सारे एप्लीकेशन में चले जाएंगे. काफ़ी अच्छा हो गया. ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेडी है. ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पहली बार आई थी, पर एप्पल में पहली बार आई है. एंड्रॉइड फ़ोन्स में एक टाइम पे आती थी पर उन्होंने फिर बंद कर दी. पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आईफोन के अंदर पहली बार हमें शो हुई है, आईफोन 14 लाइनअप के अंदर. 14 प्रो इस वक्त हम देख रहे हैं, मैक्स वाला भी देखेंगे. वो उसमें बस कैमरा सेटअप और थोड़ा अच्छा है. ये भी अच्छा है कि इस 100 फ़ोन है, ये भी अच्छा है. मैक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है बस. योर फोटो, योर फ्रंट, योर एडिट, योर आईफोन. इसमें हमें iOS 16 देखने को मिलता है और बाकी सारे फ़ोन में भी अपडेट आ रखा है. वो है 16 का डिस्प्ले, तगड़ी कर दी भाई इन्होंने, 2x ब्राइटनर कर दिए. और क्रैश डिटेक्शन कॉल वाला जो कि हमने एप्पल ट्रेलर में सबने देखा ही था, मतलब इसमें यह कि आपकी कार अगर वगैरह क्रैश वगैरह आ जाती तो ऑटोमेटिक ये इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देगा यहाँ पे. ये इसका है, ये इसका अच्छा फीचर है. ये हमारी तगड़ी A16 बायोनिक चिप लगी हुई है इसके अंदर. 4x रेजोल्यूशन है ये देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पोर्शन में डिटेल में दिखा रहा है. फिर फोटो कितनी तगड़ी ली है भाई, 48 में आप उसका कमाल है भाई. 68 लार्जर सेंसर इसके अंदर, कुछ पिक्चर्स देख सकते हो आप स्क्रीन के आगे. ये देखो डिटेलिंग देखो, काफ़ी तगड़ी डिटेलिंग है हर एक फोटो में. प्रो सेटअप है भाई, कैमरा का 3x3 और पार. ये एप्पल खुद ही बता रहा है कि 3x बेटर है ये और सारा चेंजेस. और भाई ये देखो फोकस देखो कैमरे का, ये एक्शन मोड में देखो ना तगड़ा फोकस आ रहा है. बिल्कुल बॉल बिल्कुल हल्की ब्लर भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बढ़िया फुल स्टेबलाइजेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये देखो क्लियर वीडियो भाई. ये हमारा सुपर सेटअप, सुपर कैमरा सेटअप. मेन कैमरा 48 megapixel का है, ठीक है. टेलीफोटो लेंस है इसके अंदर 7mm का, 3x का उसमें ऑप्टिकल जूम है, 2.8 का एपर्चर है और हमारा अल्ट्रा वाइड है 13mm का, 120 फील्ड ऑफ व्यू है इसमें, 2.2 एपर्चर का भाई. सही है यार, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा कलर आपको अच्छा लगा. मेरे को तो पर्सनली ब्लैक वाला अच्छा लगा, पर पर्पल वाला काफ़ी नया ट्रेंडिंग चलेगा, काफ़ी लोग बाय करने वाले इसको, क्योंकि थोड़ा यूनिक सा लगता है. ये अलग अलग लाइट में अलग अलग तरीके का दिखता थोड़ा सा. ये देखो भाई फोन का लुक्स, A16 बायोनिक चिप, तगड़ी फुल पावर प्रोसेसर. ये सबसे ज़्यादा भाई पावर दे देगा इसको, बैटरी लाइफ इसकी इंप्रूव हो चुकी है हमारी. ये देखो 29 आवर दिखा रखे भाई, थोड़े नहीं है. प्रो मैक्स का 29 आवर है और खाली प्रो के 23 आवर है, बहुत हो जाते हैं यार आईफोन के हिसाब से. बहुत अच्छी बैटरी हेल्थ है भाई इसकी, सही है, बढ़िया चलेगा. प्राइवेसी आपको पता ही है मिलती है और
और ये हम देख सकते हैं i16 चलो अब हम बात करते हैं इसके बाइंग ऑप्शन के। तो जैसे कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं सीधा एप्पल की वेबसाइट पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या प्राइस आ रखे हैं। और हमें देखो ऊपर 5% का डिस्काउंट मिलता है इंस्टेंट 6,000 रुपये का HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर हम करते हैं तो। EMI वगैरह भी अवेलेबल है, कोई करना चाहे तो वहाँ से कर सकता है। कैशबैक वगैरह ये सारे ऑफर्स वगैरह आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसके देखो EMI इतने की पड़ेगी 12,000 की, 13 हो गए 13,000 की एवरेज चलेगी, वो अपनी मर्जी पे प्लान्स के हिसाब से। पर हम मॉडल देखते हैं आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स स्क्रीन साइज का दिख गया, फ्री शिपिंग है। और ये है कलर हमारे जो चार हमने देखे थे भाई। ये स्टोरेज में हमारे 128 GB से कम नहीं मिलता, 64 GB वाला वेरियंट नहीं मिलेगा हमें, सीधा 128, 256, 512 और 1 TB का ऑप्शन हमें मिल रहा है। उसके प्राइसेस भी साथ साथ लिख रखे हैं इन्होंने। और ये देख लो दोनों में दोनों इतना डिफरेंस है प्रो और प्रो मैक्स में। मेरे को प्रो फिर भी डिसेंट लगता है, सही लगता है, मैक्स यार थोड़ा बड़ा हो जाता है। पर ये है कि जैसे जिसको शूटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए सही है, बड़ी स्क्रीन और गेमिंग के हिसाब से तो मैक्स ही सही रहेगा। ये लुक हो गया पर्पल कलर का, ये नया कलर इसी बार आया एप्पल में, पहले नहीं था। इससे देखो लुक वाली चेंज हो रही है, ये अलग कैमरा एंगल्स पर अलग अलग दिखेगा, अलग अलग लाइट पड़ेगी। जब डब्बे के अंदर फ़ोन और बस हमारा केबल, चार्जर तो मिलता ही नहीं है तो वो आपको बाहर से बाय करना पड़ेगा टाइप सी वाला, या फिर आपके पास पहला अगर आईफोन था तो आपके पास वो भी होगा। और इसके अंदर आप मैकबुक वाला भी यूज़ कर सकते हो तो कोई इशू वाली बात नहीं, तो फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखो कंपेरिजन दिखा रखा है इन्होंने आईफोन 14, आईफोन प्रो मैक्स 13 और SE। सही बात यह कि अभी सारे फ़ोन 5G हो चुके हैं। मैं दिखाता हूँ इसमें डायनेमिक रेजोल्यूशन में नहीं है, हमें पता ही वही आया इस बार है। इमरजेंसी क्रैश डिटेक्शन है इसमें भी है, इनमें बस SOS है, ठीक है। 1000 mAh डिजिटल है, सुपर रेटिना है, इसमें सुपर हो गया, इसमें सुपर, इसमें भाई ये सबसे प्रो फ्लैगशिप हो गया ना प्रो मैक्स। 48 MP का कैमरा, इसमें 12 MP, इसमें 12 का, इसमें 12 का, ठीक है। और हमारा बैटरी लाइफ आप देख सकते हो 15 आवर की मिल जाएगी iPhone SE में। और ये कौन सा था, 13 था शायद। और ये CPUs वगैरह हो गए सेम, A15 और A16 इसमें आ गया। फेस आईडी सब में इसमें टच आईडी है। और सबसे मस्त बात कि सारे फ़ोन 5G हो चुके हैं तो आगे तक चलाने में कोई इशू नहीं होने वाला हमें। और ये बाय ऑप्शन हमने यहाँ पे देख लिया, देखते हैं अमेज़ॉन वगैरह पे कितने का दिखा रहा है। लेट्स सी अमेज़ॉन आईफोन 14 प्रो मैक्स देख लेते हैं। चलो सीधा आईफोन 14 आ रहा है यहाँ पे 80,000 का, 128 GB। वैसे यार प्रो लेने के बिना फ़ायदा नहीं है, प्रो लेने एटलीस्ट अगर लेना हो तो, क्योंकि यार फिर ये वैसे ही दिखता है सेम फिर फ़ायदा नहीं है ना। 14 लेने का पता भी नहीं चल रहा, 13 वैसा ही दिखता है, फ़ायदा क्या प्रो उसका फिर। और ये हमारा प्रो है 1,30,40,000 का, 256 GB गोल्ड में, और ब्लैक वाला भी मिल रहा है यहाँ पे 14 तो भाई बिल्कुल सही मिल रहा है, 13 वगैरह इतना चेंज नहीं आ रहा कुछ भी, वैसे ना सारी चीज़ चिप भी पुराने वाली इसमें तो ले तो भाई 14 प्रो ही लेना, उसके अलावा मत लेना कोई ले तो। ये कवर्स वगैरह देख लो इनके लिए तो सही है, इतने बड़े बड़े कैमरे तो ऐसे ही कवर सही रहेंगे इनके लिए तो। इसके अलावा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज वाले सेल भी आने वाली है, देखते हैं उसमें कितने कम हो जाएंगे। किसी को लेना तो भाई वो वेट करके ले सकता है, और किसी को ये कि मेरे को तो अभी चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए सेल वगैरह का फ़ायदा, तो वो अपने अभी ले लो भाई। सेल में से ये डिस्काउंट से ही मिल जाता है, ये देखो 14 प्रो मैक्स 1 TB वाला मिल रहा है भाई 1,90,000 का भाई, 1,90,000 R15 का V3 मॉडल आ जाएगा इस टाइम पर नया, उसके बाद भी 9,000 रुपये बच जाएंगे मेरे ख्याल से, जो 1,80 के आसपास की है। पर कोई बात नहीं भाई, ये भी अपने शौक है अनवेबल, पर प्राइस वगैरह तो उन्होंने दिखा दिए, ये आपको बाद में मिल जाएगा। पर सेल में देखते हैं, सेल में अगर मिलेंगे तो बिलियन डेज में क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसा सिस्टम रहेगा वो देखने की चीज़ है। सॉरी प्राइस वगैरह वही है, सेम ही है भाई, डिफरेंस नहीं है दोनों में, अमेजोन और इस पर सेम से ही है। और एप्पल की साइट पर भी हमने देख लिए थे, बेस्ट बाइंग ऑप्शन। और आप खुद भी जा सकते हो नियर बाय स्टोर के ऊपर जाके भी लेके आ सकते हो,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा है, वहाँ पे स्टोर पे देख भी लोगे कलर वगैरह भी, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन तो फोटो वगैरह में अलग दिखता है, पर किसी को एक भी देख वेख लिया और ऑनलाइन मंगाना तो वो मंगा सकता है भाई, आपको बाइंग ऑप्शन मिल चुके हैं, तीन सबसे बेस्ट हैं, इसके अलावा और भी तरीके हैं, पर मैं तो इन्हीं को प्रेफर करूँगा, या तो एप्पल की साइड से मंगाओ सीधा यहाँ से अपने सीधा, या तो यहाँ से मंगा लो या फिर अपने अमेज़ोन से मंगाओ भाई, ठीक है, और इसके अलावा ना तो अपना फ्लिपकार्ट से मंगाओ। सेल की वेट करनी है तो दोनों पर सेल आएंगे दिवाली के पास, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, और अगर अभी चाहिए तो आप अभी बाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस वीडियो वॉज ब्रॉट यू बाय सागरलाल, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू लव, थैंक यू। Thank you.